अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एवरीडे फूड विद आयशा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटे आलू बैंगन फ्राई। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन नज़र आ रहा है उसे भी टच करिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी ये सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डीप कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने डाला 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा और एक छोटी सी प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई। फ्राई कर लेंगे प्याज को तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा आलू। इसके मैंने बहुत ही थिनली स्लाइसेस बना लिए हैं। फ्राई कर लेंगे आलू को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। इसके भी मैंने थिनली स्लाइसेस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बैंगन लिए हैं। फ्राई कर लेंगे बैंगन को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि बैंगन बहुत ही जल्दी गल जाते हैं इसीलिए मैंने आलू पहले डाला इसमें। ये देखिए बैंगन अच्छे से नरम पड़ चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक या फिर हसबे जायका, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे चटपटे मज़ेदार आलू बैंगन फ्राई बनकर तैयार है। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इस आलू बैंगन फ्राई को दाल प्लेन राइस के साथ एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं या फिर इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।